सरकार को मैं यही अपील करूंगी कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की ज़रूरत है समाज को, हमें, हम सब लोगों को। उन्होंने जो भराई कार्य किए थे, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बट अगर पिताजी आएंगे तो वो और भी दुगना तिगना चौगना स्पीड से चलेंगे और समाज का भला होगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लेक्चरर जीवन ज्योत जी जुड़ी हैं, जिनसे बातचीत करके जानते हैं कि 4 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, क्या है असली सच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का, जानते हैं जीवन ज्योत जी से सीधी बातचीत करके। जीवन ज्योत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन एमटेक है, एमटेक कंप्यूटर साइंस, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से पिताजी नहीं हैं समाज में, तो समाज में बहुत ही, मतलब पहले से बुराइयाँ फैल रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पिताजी ने एक मैसेज पहले ही दिया था, जाने से पहले उन्होंने जो मूवीज़ बनाई थी, उन्होंने साफ साफ दर्शाया था कि वो कुछ टाइम के लिए जाएंगे समाज से, और जो पीछे संगत होगी, पीछे प्रजा होगी उनकी, तो वो कैसे दिक्कत में आ जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ महामारी फैलेगी। और वैसा ही हुआ, जब पिताजी गए हैं तो कोरोना की महामारी इतनी ज़्यादा फैली है, वो हम सबको पता ही है। तो जो संत होते हैं, संत को हमेशा पता होता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उन्हें मतलब हमारे लिए वो एक देह रूप में इंसान है, बट वो भगवान से जुड़े होते हैं। अगर मतलब कई ऐसा नहीं मानते, कई जो मनमुख जीव हैं ऐसा नहीं मानते, बट यही सच्चाई है। अगर हम एक बार उन पर यकीन करके देखें ना, एक विश्वास के साथ उन पर, उनसे कोई बात या किसी भी पॉइंट पे कोई भी यकीन करके देखें, तो ये चीज़ सच मानी जाएगी, ऐसा होता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी ही पिताजी आएँ हमारे बीच, और जो बहुत सी जो रुक गई हैं कुछ चीज़ें, वो उन्हें दोबारा से शुरू करें और समाज में अच्छाई फैलाएं। मैम, उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, उन्होंने क्या काम किया समाज पे? जैसे उन्होंने कितने कैंप लगवाए थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था, सफाई अभियान शुरू करवाए थे, जो वेश्वा लड़कियां हैं उनकी शादियां करवाई थी, सुख दुआ समाज के लिए कितने ज़्यादा उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए थे। जैसे यहाँ पर भी डेरा सच्चा सौदा में सुख दुआ समाज के लिए उन्होंने अलग से एक पूरा मोहल्ला, मतलब घर बना के दिया, उन्हें रोज़गार प्रोवाइड किए हैं। उन्होंने बताया कि आप ऐसे मतलब मांगो ना, उन्होंने एक वेल मतलब एस्टेब्लिश्ड उन्हें सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना के दिए हैं, जहाँ पे वो आज भी काम करती हैं और पिताजी का शुक्र अदा करती हैं। आप उनकी इंटरव्यू भी इंटरनेट पर सुन सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं जो कि मीडिया ने नहीं दिखाए। मीडिया कुछ चीज़ कुछ और होती है, उन्हें नेगेटिविटी के साथ मीडिया दिखाता है लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग हैं, जो मीडिया के साथ संपर्क में, जो टीवी देखते हैं, जो ये बात मान जाते हैं कि हाँ जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है, बट ऐसा नहीं है। या तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ बात को करो जो डेरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं डेरे के साथ, मुझे 30 साल हो गए हैं डेरे के साथ जुड़े हुए, तो बीइंग अ गर्ल, मैं मतलब मैं यहाँ पे इतना सेव करती हूँ जहाँ मैं बाहर कहीं और ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं छोटे होते भी यहाँ पे अकेली रही हूँ। मेरे मम्मी पापा कई बार आस पास कहीं और सेवा कर रहे होते हैं, मुझे अकेली छोड़ जाते, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती थी कि हाँ हमारी बेटी है, खेल लेगी या सेवा कर लेगी, जैसे भी है, तो मैं यहाँ पे सेफ रही हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो टीवी पे दिखाई गई, जो मीडिया ने दिखाई, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मुझे नहीं पता क्यों मीडिया या कोई और पिताई को बदनाम करना चाह रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना चाह रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। जो भी एलिगेशंस हैं सब बेबुनियाद हैं, कुछ भी सच्चाई नहीं है उसमें। एक्चुअली जो पिताजी ने जो समाज के लिए अच्छा किया है ना, उस पर लोग, उन्होंने ये कि ये अच्छाई क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि उनके जो और कारोबार हैं, जो नशे के कारोबार हैं, जो और चीज़ें हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए, वो रुक रही थी जो पिताजी ने सच्चाई फैलाई है उससे। तो वो
इस चीज़ से वो उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो नेगेटिविटी पिता के खिलाफ फैला रहे हैं, बस इतना ही है। और इसमें और जो भी बताया गया गुफा के बारे में, जो बताया गया लड़कियों के बारे में बताया गया, ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पे आप आइए, जो जानना चाहते हैं पिताजी के बारे में आप यहाँ पे आइए, किसी भी टाइम आइए, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी छुपा नहीं हुआ है। कहीं भी आप जाके, आप गुफा में जाके देख सकते हैं, आप यहाँ पे साधु बहनें कैसे सेवा करते हैं वहाँ पे देख सकते हैं, भाई कैसे सेवा करते हैं, सब कुछ यहाँ पे देखा जा सकता है। ईच एंड एवरी थिंग, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, कॉलेजेस में, स्कूल में, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, हॉस्पिटल बनवाया पिताजी ने गरीबों के लिए, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मैम, आप पब्लिक को अपनी वीडियो के द्वारा क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पब्लिक में वही इमेज बनी हुई है जो मीडिया में दिखाई जा रही है। मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो मीडिया ने जो पब्लिक को दिखाया वो आपने देखा, आपने समझा, आपने उसी को सच मान लिया, बट एक्चुअल में सच्चाई उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। आप पिताजी की मूवीज़ दे सकते हैं जो उन्होंने उसमें सच्चाई बताई हुई है, कैसे उन्होंने एक बेसवा लड़की की शादी करवाई, ठीक है, उसका घर बसाया, खुद उनके पिताजी उनके पापा बने, और मतलब उनको हर एक सुख सुविधा दी लड़कियों को, वो बिल्कुल सच्चाई है। पिताजी वैसे ही यहाँ पर शादी करवाते हैं। और भी जैसे कई बातें हैं जो मूवीज़ में और दिखाया गया, जैसे पिताजी ने वो रोल प्ले किया हीरो का, वो नॉर्मल हीरो भी करते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज़ को मीडिया वालों ने कुछ और ही बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हीरो का रोल था, उन्होंने जस्ट रोल अदा किया अपना। और भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग हैं वो मतलब अपनी सोच को मीडिया की तरफ से एक सच्चाई की तरफ लेके आएँ। अगर आप उनसे बात करें जो अभी भी डेरा में आ रहे हैं, मतलब हम पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हमारे मम पापा ने हमें पढ़ाया है, तो हम ऐसे ना समझ तो है नहीं कि इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बाद भी हम यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात होगी जो हमारा दिल करता है यहाँ पे आने के लिए, पिताजी भी नहीं हैं यहाँ पे, हम फिर भी यहाँ आ रहे हैं, फिर भी सेवा कर रहे हैं, फिर भी अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं ताकि हाँ उन्हें भी यहाँ का इन्वायरमेंट मिले। तो यहाँ पे सिर्फ सच है, मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ सच्चाई है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए, आप खुद आइए। मीडिया तो कुछ और ही दिखाता है, उन्होंने आज तक मुझे तो लगता नहीं है कोई सही बात असल में बताई है, कुछ और बात होती है, उसे तोड़ मरोड़ के कुछ और बात बताई जाती है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए क्या है कल्चर, यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत है संत जी के समाज को। बिल्कुल, यहाँ पे समाज को तो ज़रूरत ही ज़रूरत है, जो उन्होंने सही राह हमें चलने की दिखाई थी, आज मुझे लगता है कई लोग वो भूलते जा रहे हैं। जैसे पिताजी नामदान देते हैं, तीन वचन कहते हैं कि ये आपको तीन वचन मानने हैं फिर आपको नामदान मिलेगा। वो युवाओं के लिए वो जो तीन वचन होते हैं ना, मैं कह रही हूँ वो सोना है एक तरह से, जिस वो सोना मिल जाता है जो वो तीन वचन मान लेते हैं, नाम ले लेते हैं वो युवा। देखो वो कितनी नेगेटिविटी से कितना दूर रहते हैं जो नाम ले लेते हैं वो युवा। तो पहली बात, पिताजी हमेशा युवाओं पे फोकस करते हैं कि अगर हम युवाओं को, यूथ को एक सही डायरेक्शन में ले गए ना, तो समाज तो अपने आप ही सही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि युवा ही एक मेन रोल प्ले करते हैं इस देश को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं संत जी के साथ, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल वेल एजुकेटेड जुड़े हुए हैं मैम। जैसे आप अभी देखेंगे, जैसे मैं भी आज सेवा पे आई हुई हूँ, मेरे जैसे और भी कई हैं जो 20+ 30+ ऐसे यूथ हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, सब यहाँ पे आते हैं, सेवा करते हैं। और मतलब मैं जैसे मेरी जिनके साथ भी जो युवा हैं, जिनके साथ भी बात होती है, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम किस तरह से एक ये पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके, कि नहीं जो इमेज मीडिया ने दिखाई है वो कुछ और है, बट एक्चुअल में पिताजी की इमेज जो है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सच है, मतलब जो वैसा कुछ भी नहीं है जो दिखाया गया था। और ये सजा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? ये सज़ा एक्चुअल में समाज को ही मिल रही है, क्योंकि संत जी को हम क्या सज़ा दे सकते हैं, संत तो भगवान के भेजे एक फरिश्ते होते हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर वो यहाँ पे नहीं भी हैं, अगर सुनारिया में हैं पिताजी, तो वहाँ पे भी वो किसी ना किसी रूह का भला कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि एक संत क्या सोचते हैं, उन्हें तो आने वाले समाज का पता होता है, वो कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही करते हैं, बट
पता लोगों को ये चीज़ बाद में लगती है। बस मैं यही कहूँगी कि लोग अपनी आँखें अपने कान खुले रखें, क्योंकि जब पिताजी आएंगे ना, सच्चाई सबके सामने आएगी, सबको अपने कहे शब्दों पे अफसोस होगा कि हाँ हमने ये डेरे सच्चा सौदा के बारे में गलत कहा था, बट सच्चाई ये है। जब वो आएंगे सबको पता चलेगा ज़रूर। क्या अपील करोगे सरकार से? सरकार को मैं यही अपील करूँगी कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा की ज़रूरत है समाज को, हमें, हम सब लोगों को। उन्होंने जो भराई कार्य किए थे, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, बट अगर पिताजी आएंगे तो वो और भी दुगना तिगना चौगना स्पीड से चलेंगे और समाज का भला होगा। हमें से कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हमारे मन में रहती हैं, हम चाहते हैं कि हम पिताजी से बात करें, उनसे पूछें, वो हमारे सवाल के जवाब दें, तो वो कहीं ना कहीं एक कमी रहती है मन में। तो पिताजी आएंगे, वो बता पाएंगे कि हमें किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, युवाओं को गाइड कर सकेंगे। तो सरकार जल्दी से जल्दी पिताजी को हमारे साथ भेजें, यहाँ पे देर रूप में जल्दी जी, आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ लेक्चरर थे जीवन ज्योत जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और इनकी अपील है सरकार से कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में वापस आए, क्योंकि 4 सालों से जब से वो नहीं है, समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, समाज में बुराइयां फैलती जा रही हैं। ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं संत जी की। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।